फार्म हाउस के पास कतल रात के करीब 11 बजे बज रहे थे। अविनाश अपनी साइड डिटेक्टिव एजेंसी में केबिन में बैठा कुछ सोच रहा था। अविनाश का असिस्टेंट राजू और रिसेप्शनिस्ट बेबी घर जा चुके थे। उसके एक हाथ में काफी का कप और मुंह में सिगार था। वो सोच रहा था कि जब से उसने टाइपराइटर वाला केस हल किया है तब से उसे और कोई केस नहीं मिला है। तभी उसकी मोबाइल की घंटी बजी। उसने देखा इंस्पेक्टर मनोज का नंबर मोबाइल की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल रिसीव की। इंस्पेक्टर मनोज ने अविनाश से बोला, अविनाश अभी अभी मुझे थाने में सूचना मिली है कि शहर से दक्षिण 25-30 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस के पास नंदिनी नाम की किसी लड़की का खून हो गया है। अविनाश ने कहा, फोन किसने किया था? इंस्पेक्टर मनोज ने कहा, फोन करने वाले का नाम मदन था और वह मरने वाली लड़की नंदिनी का मामा है। क्या तुम अभी वहां पहुंच सकते हो? अविनाश ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। फार्म हाउस का नाम क्या है और उसका पता क्या है? मनोज ने कहा, हाईवे पर 25 किलोमीटर चलने पर तुम्हें एक सिधारी चौराहा मिलेगा। वहां से बाएं करीब 5 किलोमीटर दूरी पर एक फार्म हाउस है। फार्म हाउस का नाम है उपवन। कैप्टन अविनाश ने पता कागज पर लिखा और मनोज से बोला, ठीक है मैं पहुंचता हूँ। इसके बाद अविनाश ने अपनी कॉफी खत्म की, अपना कोट पहना, गोल टोपी पहनी, टाई सीधी की और अपनी होंडा सिटी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार राजमंदिर के दक्षिण हाईवे पर सर पर दौड़ रही थी। सिधारी चौराहे से उसने बाएं ले लिया। करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद उसे वह फार्म हाउस दिख गया। उसने अपनी गाड़ी फार्म हाउस से कुछ दूर खड़ी कर दी। ऐसा लगता था कि वहां थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी जिसकी वजह से वातावरण में नमी थी। हवा बहुत तेजी से चल रही थी। अविनाश ने अपनी गोल टोपी निकालकर कार में रख दी और सिगार जला लिया और कार का टेक लेकर धुआं उड़ाने लगा। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था लेकिन फार्म हाउस की बत्तियां जल रही थी। फार्म हाउस के गेट पर एक चौकीदार खड़ा था लेकिन इस समय अविनाश ने चौकीदार से बात करना मुनासिब नहीं समझा। वह चुपचाप इंस्पेक्टर मनोज के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर मनोज की जीप सायरन करती हुई दाखिल हुई। जीप राहुल चला रहा था। दोनों ने उतरकर अविनाश का अभिवादन किया। अविनाश ने पूछा, लाश किधर है? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। इंस्पेक्टर मनोज ने तुरंत फार्म हाउस के गार्ड को बुलाया और रॉब से पूछा, सब लोग कहाँ हैं? गार्ड ने डरते डरते जवाब दिया कि हुजूर मेरे पीछे आ जाए। गार्ड उन तीनों को फार्म हाउस के बगल से जाती हुई सड़क पर ले गया। थोड़ी दूर चलने के बाद जंगल शुरू हो गया। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें कुछ आदमियों का झुंड दिखाई दिया। गार्ड ने कहा, हुजूर सब लोग वहां पर हैं। मनोज ने कहा, ठीक है तुम जाओ और फार्म हाउस की रखवाली करो, बाकी हम देखते हैं। मनोज, राहुल और अविनाश झुंड की दिशा में चल दिए। जंगल काफी घना था। राहुल ने टॉर्च जला दी थी। जैसे ही वह लोग भीड़ के पास पहुंचे, भीड़ में से एक आदमी तुरंत निकालकर मनोज के पास आया। वह काफी घबराया हुआ था। उसने मनोज से कहा, मेरा नाम मदन है, मैंने ही आपको फोन किया था। मेरी भांजी का खून हो गया है, किसी ने खंजर से उसका गला रेत दिया है। अविनाश ने कहा, लाश किधर है? मदन ने उसे इशारे से बताया कि उस पेड़ के पीछे। मनोज ने कहा, बाकी सब लोग पीछे हट जाएं, कोई एक मेरे साथ आए। उनमें से एक आदमी उनके साथ हो लिया। मनोज ने पूछा, आपका नाम क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया, प्रमोद। पेड़ के ओट में नंदिनी की लाश पड़ी थी। पास जाने पर मालूम हुआ कि नंदिनी का गला बड़ी बेदर्दी से रेता हुआ था। मनोज और राहुल लाश का मुआयना करने लगे। अविनाश थोड़ी दूर खड़ा था और हालात का जायजा ले रहा था। राहुल ने कहा, सर लगता है कि नंदिनी की मौत गला रेतने के कारण हुई है। मनोज ने कहा, राहुल लगता है कि नंदिनी की मरने से पहले हथियारे के साथ हाथापाई भी हुई थी। राहुल ने कहा, जाहिर है सर, थोड़े बहुत खरोच के निशान हाथ और चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। प्रमोद ने मनोज से कहा, सर इधर लाश के घसीटने के निशान भी है। मनोज ने राहुल से कहा, राहुल टॉर्च से आसपास देखो कि कुछ मिलता है क्या। राहुल टॉर्च जलाकर बड़ी बारीकी से देखने लगा। थोड़ी दूर पर उसे टायर के निशान भी दिखाई दिए। क्योंकि बारिश होकर के अभी हटी थी इसलिए निशान काफी साफ थे। उसने टॉर्च जलाकर उस निशान के फोटो ले लिए। इधर मनोज लाश की तलाशी लेने लगा। तलाशी लेने के दौरान उसे एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, एक वॉलेट और एक कागज का टुकड़ा जिस पर कुछ लिखा हुआ था, पर शायद बारिश होने की वजह से स्याही फैल गई थी। मनोज ने वे तीनों सबूत बैग में रख लिए और आसपास तफ्तीश करने लगा। मनोज ने राहुल से कहा, राहुल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। इसके बाद मनोज और अविनाश झुंड की दिशा में आ गए। मनोज ने सबसे अपना बारी बारी से परिचय देने को कहा। सबसे पहले उस आदमी ने परिचय दिया जो मनोज के साथ नंदिनी की लाश को दिखाने गया था। मनोज ने उससे फिर पूछा, आपका क्या नाम है, क्या करते हैं आप, क्या उम्र है आपकी? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम प्रमोद है, मैं करीब 30 साल का हूं और कुमारा हूं। मैं श्रीकृष्ण डिग्री कॉलेज में मैथ का टीचर हूं और शाम को इन बच्चों को मैं अपने घर प्राइवेट ट्यूशन भी देता हूं। मनोज ने पूछा, घर का पता क्या है? प्रमोद ने उसे अपने घर का पता नोट करा दिया। इतनी जानकारी नोट करने के बाद मनोज दूसरे आदमी की तरफ मुड़ा और पूछा, आपने ही मुझे फोन किया था? मदन ने कहा, हाँ सर मैंने ही आपको फोन किया था। मनोज ने मदन से पूछा, आपको कैसे पता लगा कि नंदिनी का खून हो गया है? मदन ने कहा, मुझे मोहिनी ने बताया। कौन मोहिनी जो सामने खड़ी है? मदन ने कहा, हाँ यह नंदिनी की दोस्त है और उसके साथ उसी की क्लास में पढ़ती है। मनोज ने पूछा, ठीक है उसके बाद आपने क्या किया? मदन ने कहा, सबसे पहले मैंने प्रमोद मास्टर साहब को फोन किया लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। तभी प्रमोद बोला, बात दरअसल यह थी कि मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था। तभी मनोज प्रमोद की तरह मुखातिब हुआ और बोला, आपको नंदिनी की मौत की खबर कैसी लगी? प्रमोद ने कहा, मैंने जैसे ही मोबाइल ऑन किया तो मुझे राजा की कॉल आ गई और इसके बाद मैं सीधे फार्म हाउस आ गया। इसके बाद मनोज ने नंदिनी के तीनों दोस्त को पास बुला लिया और उनसे पूछा, तो आप तीनों नंदिनी के दोस्त हैं, आप सब यहाँ इतनी रात इस फॉर्म में क्या कर रहे हैं? तीनों में से एक लड़का सामने आया और बोला, मेरा नाम राजा है, मैं नंदिनी के साथ श्रीकृष्ण डिग्री कॉलेज में पढ़ता हूँ, यह फार्म हाउस मेरा है। मनोज ने बाकी दोनों से पूछा, आप लोग भी अपना परिचय दीजिए। एक ने बोला, मेरा नाम बॉबी है, मैं भी नंदिनी के साथ श्रीकृष्ण डिग्री कॉलेज में पढ़ता हूँ। लड़की बोली, मुझे मोहिनी कहते हैं, मैं भी नंदिनी के साथ श्रीकृष्ण डिग्री कॉलेज में पढ़ती हूँ। मनोज ने कहा, तो आप सब इकट्ठे एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं? फिर उसने कड़क आवाज में राजा से पूछा, तुम मुझे विस्तार से पूरी कहानी बताओ और हाँ सही बताना, नहीं तो झूठ बोलने की सजा बहुत भारी पड़ेगी।
राजा ने डरते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब आज मेरा जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में आज मैंने अपने फार्म हाउस में एक पार्टी का आयोजन किया था। मनोज ने पूछा, कितने लोग पार्टी में आमंत्रित थे? राजा ने कहा, कुल 20 लोग आमंत्रित थे। यहाँ तो तुम केवल 4 हो, एक नंदिनी जिसका तुम में से किसी ने खून कर दिया, बाकी बचे तुम 3, 2 लड़के और 1 लड़की, राजा, भाभी और मोहिनी, बाकी के 16 दोस्त कहाँ है? राजा ने कहा, वह सब जा चुके हैं। मनोज ने उसे डांटते हुए कहा, तुम मुझे पूरी कहानी टुकड़ों में ना समझाओ, पूरी कहानी सविस्तार बताओ। राजा ने कहा, हम सभी 20 दोस्त मेरे फार्म हाउस पर आज शाम 7 बजे पार्टी के लिए इकट्ठे हुए थे। 8 बजते पार्टी अपने शबाब पर हो गई थी। केक काटने के बाद हम सभी दारू पीकर नाचने लगे। नाचते नाचते बॉबी ने नशे में नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। नंदिनी ने गुस्से में उसे एक जोरदार चाटा मारा और पार्टी छोड़कर बाहर आ गई। उस समय हम सभी ने नंदिनी की तरफ ध्यान नहीं दिया, हम दोबारा अपनी पार्टी में व्यस्त हो गए। तभी आधे घंटे के लिए लाइट चली गई। गाँव होने की वजह से यहाँ पर बिजली की समस्या रहती है। मनोज ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? राजा ने आगे कहना शुरू किया, जब लाइट दोबारा आई तब हमने पार्टी फिर शुरू की। 9:30 बजे तक हम चारों को छोड़कर सारे दोस्त शहर लौट गए, लेकिन हम तीनों ने अपनी पार्टी जारी रखी। हमने बहुत दारू पी ली थी। जब हम भी शहर वापस चलने को हुए तब हमें नंदिनी का ख्याल आया। सबसे पहले हमने अपना पूरा घर ढूंढा, हमें नंदिनी कहीं नहीं मिली। इसके बाद हम गार्ड को लेकर के जंगल की तरफ उसे ढूंढने निकले। थोड़ी दूर पर हमें उसकी लाश दिखाई थी। उसकी लाश देखते ही हमारा सारा नशा उतर गया। इसके बाद तुरंत मैंने नंदिनी के मामा मदन को फोन किया और उसके बाद की सारी कहानी आपको पता है। मनोज ने कहा, ठीक है, आप सभी शहर लौट जाए, पर याद रखिए, कोई मेरी बिना इजाजत के शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद सब लोग शहर लौट गए। मनोज अविनाश के साथ उसके होंडा सिटी में सवार हो गया। राहुल पुलिस की जीप लेकर लाश के साथ पहले ही शहर लौट आया था। रास्ते में एक जगह अविनाश ने कार हाईवे पर रोकी और अविनाश और मनोज बाहर आ गए। अविनाश ने सिगार जला लिया और मनोज ने सिगरेट। दोनों बिना बात किए कार का टेक लेकर कश लगाने लगे। हवा नमी लिए हुए तेजी के साथ बह रही थी। दोनों रात में मौसम का आनंद ले रहे थे। तभी चुप्पी तोड़ते हुए मनोज ने अविनाश से पूछा, अविनाश, क्या ख्याल है तुम्हारा इस कत्ल के बारे में? अविनाश ने कहा, अभी कहना बहुत मुश्किल है, पर यह बात तो निश्चित है कि जो भी कुछ हुआ है वह उसी आधे घंटे में हुआ है जिस दौरान लाइट गई थी। हाँ, यह बात तो है। अविनाश ने कहा, अब कत्ल हुआ है तो कोई कातिल भी होगा। मनोज ने कहा, लेकिन पार्टी में उपस्थित लोगों की लिस्ट तो बहुत बड़ी थी, 20 लोगों से पूछताछ करना बहुत मुश्किल काम है। अविनाश ने कहा, नहीं, सबसे पहले हम उन्हीं से शुरुआत करेंगे जो लोग नंदिनी के बेहद करीब हैं, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि नंदिनी की मौत से किसको सबसे ज्यादा फायदा है। मनोज ने कहा, लेकिन अविनाश, कभी कभी लोग अपराध बदले की भावना से भी करते हैं, हमेशा उसमें फायदा ही नहीं होता। अविनाश ने कहा, हाँ, यह तो तुम बात सही कह रहे हो। नंदिनी जवान थी, खूबसूरत थी, हो सकता है कोई प्यार का चक्कर हो, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। चलो अभी चलते हैं, कल देखते हैं। इसके बाद अविनाश ने मनोज को उसके घर पर ड्रॉप किया। चलते हुए अविनाश ने मनोज से कहा कि कल मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भिजवा देना। मनोज ने कहा, हाँ जरूर। दूसरे दिन जैसे ही राजू अविनाश के केबिन में पहुंचा, अविनाश ने कहा कि राजू एक काम करो, थाने चले जाओ, इंस्पेक्टर मनोज से कहना कि हमें नंदिनी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी दे दो। राजू ने आश्चर्य से पूछा, सर, किसके पोस्टमार्टम की? अविनाश ने कहा, कल रात में नंदिनी नाम की एक लड़की की शहर से बाहर एक फार्म हाउस के पास के जंगल में हत्या हो गई थी। रात में 11 बजे में और इंस्पेक्टर मनोज कत्ल की तफ्तीश के लिए वहां गए थे। तुम थाने से रिपोर्ट की कॉपी ले आओ, और हाँ, साथ में वह चीजें भी ले आना जो कल रात हमें बरामद हुई थी। मनोज से कहना, हम एक बार उन चीजों को देखने के बाद वापस कर देंगे। राजू बोला, ठीक है सर। इसके बाद राजू थाने चला गया। करीब 1 घंटे बाद वो थाने से लौटा। उसने तुरंत जाकर अविनाश को रिपोर्ट किया। अविनाश ने पोस्टमार्टम की कॉपी ले ली। राजू ने कहा, सर, पूरी कहानी विस्तार से बताइए कि कल रात क्या हुआ था। अविनाश ने अपनी सिगार जला ली और बोला, बेबी को भी बुला लो और कह दो कि आते समय 3 कप कॉफी लेकर आएगी। थोड़ी देर बाद बेबी 3 कप कॉफी लेकर के आई। काफी लेकर अविनाश ने कहानी शुरू की। अविनाश ने बताया कि शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में राजा नाम के एक लड़के का एक फार्म हाउस है। कल रात करीब 7 बजे उसने अपने 20 दोस्तों को अपनी जन्मदिन की पार्टी के लिए आमंत्रित किया था। सारे बच्चे पार्टी एंजॉय करने लगे, सब खाने पीने और नाचने गाने में मस्त हो गए। इसी दौरान बॉबी नाम के एक लड़के ने नशे की हालत में नंदिनी नाम की एक लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। नंदिनी ने उसे एक थप्पड़ मार दिया और गुस्से से बाहर आ गई। सभी बच्चों ने बीच बचाव किया और पार्टी फिर चल पड़ी। इसी दौरान करीब 8:30 बजे आधे घंटे के लिए फार्म हाउस की लाइट चली गई। गांव होने की वजह से वहां लाइट अक्सर चली जाती है। आधे घंटे बाद लाइट आई, फिर सारे बच्चे पार्टी एंजॉय करने लगे। पार्टी में नाचने गाने खाने पीने सभी की व्यवस्था थी। 9:30 बजे के करीब पार्टी खत्म हो गई। सारे बच्चे फार्म हाउस से शहर को वापस हो गए। सिर्फ 3 बच्चे रह गए, एक राजा जिसका फार्म हाउस था, दूसरा बॉबी जिसने नंदिनी के साथ बदतमीजी की थी, और तीसरी मोहिनी। सबके जाने के बाद इन तीनों ने नंदिनी को ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर बाद फार्म हाउस के करीब जंगल में इन्हें नंदिनी की लाश मिली। इन्होंने घबराकर नंदिनी के मामा मदन को फोन किया और उसके ट्यूशन टीचर प्रमोद को भी फोन कर दिया। बाद में नंदिनी के मामा मदन ने पुलिस को फोन किया और नंदिनी की हत्या की जानकारी दी। राजू ने पूछा, सर, इसका मतलब है कि हत्या का शक राजा, बॉबी या मोहिनी पर है? अविनाश ने कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, प्राइम सस्पेक्ट तो यही तीनों है, बाकी कत्ल की वारदात हुई है तो हमें हर किसी पर शक करना होगा। राजू ने पूछा, सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है? रिपोर्ट पढ़ने के बाद अविनाश बोला, कुछ खास नहीं, पहले नंदिनी की हत्यारे के साथ हाथापाई हुई थी। नंदिनी की मौत चाकू से गला रीतने के कारण हुई है। हत्या का समय करीब 8:30 से 9 बजे के बीच बताया जाता है। शरीर पर मिले जख्मों से ऐसा अनुमान लग रहा है कि हत्यारे एक से अधिक भी हो सकते हैं। तभी मनोज ने अविनाश को फोन किया। अविनाश ने बोला, गुड मॉर्निंग, और इंस्पेक्टर साहब कैसे याद किया? मनोज बोला, अविनाश, क्या तुमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ ली? अविनाश बोला, हाँ मनोज, पढ़ ली, ऐसी कोई खास बात नहीं है उस रिपोर्ट में। मनोज बोला, हाँ वही तो, और जो चीज हमें उसकी बरामद हुई है उसमें एक मोबाइल है, दूसरा उसका वॉलेट है और तीसरा एक कागज का टुकड़ा बरामद हुआ है जिस पर स्याही से कुछ लिखा हुआ है, पर बारिश में भीग जाने के कारण स्याही कागज पर फैल गई है। अविनाश ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है।
मनोज ने कहा, हाँ ठीक है, तुम मेरी तरफ से इस केस पर अनऑफिशियली काम करना शुरू कर दो। अविनाश ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रहेगी मैं तुमको बताता चलूंगा। मनोज ने कहा, और हाँ किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक फोन कर लेना। अविनाश ने कहा, अवश्य। इसके बाद अविनाश राजू की तरफ मुखातिब हुआ। क्यों राजू, इस केस में हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? राजू ने कहा, सर सबसे पहले हमें लाश के पास से बरामद हुई चीजों को देखना चाहिए। अविनाश ने कहा, ठीक है। तभी अविनाश का ध्यान खंजर पर चला गया। उसने राजू से बोला, राजू हम लोगों का ध्यान खंजर की तरफ तो गया ही नहीं। अविनाश ने तुरंत मनोज को फोन किया और पूछा, यार तुमने खंजर की शिनाख्त करवाई है, उस पर कुछ उंगलियों के निशान मिले? मनोज बोला, यार करवाई थी, उस पर कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले। हत्या के बाद किसी ने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिया होगा या दस्ताने पहनकर हत्या की होगी। पर अविनाश, यदि तुम्हें खंजर देखना है तो तुम्हें आना पड़ेगा। सॉरी, वह मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा। अविनाश ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं लौटते समय थाने में देख लूंगा। मनोज ने कहा, ठीक है। अविनाश ने नंदनी का मोबाइल लिया और उसे चार्ज में लगा लिया। उसने देखा कि रात 8:30 से 9 बजे के बीच शिफ्ट दौरान लाइट गई थी, बॉबी ने उसे फोन किया था और वही लास्ट कॉल थी नंदनी के मोबाइल पर। राजू ने तुरंत कहा, क्यों किया होगा सर? अविनाश ने कहा, यह तो बॉबी से मिलने पर ही पता लगेगा। बाकी नंदनी के वॉलेट में कुछ खास नहीं मिला सिवाय कुछ पैसों के और एक नंदनी की फोटोग्राफ थी। फिर अविनाश ने नंदनी की जेब से बरामद उस कागज के टुकड़े को उठाया। बारिश में भीग जाने की वजह से उस पर लिखी हुई स्याही पूरी फैल गई थी, सिर्फ तारीख दिखाई दे रही थी। अविनाश ने राजू से कहा, इसमें तारीख कल की ही अंकित है। राजू ने कहा, सर इसका मतलब कल ही किसी ने इसे पत्र दिया था और कल ही नंदनी की हत्या हो गई। क्या इस पत्र से कुछ नंदनी की हत्या का संबंध हो सकता है? अविनाश ने कहा, राजू तारीख के अलावा सब कुछ फैल गया है, इसलिए यह बताना मुश्किल है कि इस पत्र में वाकई क्या लिखा गया था। तुम एक काम करो, सबसे पहले नंदनी के स्कूल चले जाओ और उसकी बैकग्राउंड जानने की कोशिश करो, और हाँ प्रमोद के बारे में भी जानने की कोशिश करो। राजू ने कहा, ठीक है, मैं तब तक थाने होकर के आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि नंदनी के मामा से भी मुलाकात हो जाए। इसके बाद राजू और अविनाश चल दिए। जाते हुए अविनाश ने बेबी से कहा कि कोई पूछे तो बता देना कि मैं शाम को मिलूंगा। बेबी ने कहा, ठीक है सर। अपने ऑफिस से निकलकर अविनाश थाने चला गया। उसने इंस्पेक्टर मनोज से खंजर देखने की इच्छा जाहिर की। सब इंस्पेक्टर राहुल खंजर लेकर के आया। अविनाश ने खंजर हाथ में पकड़ने के बाद मनोज से बोला, मनोज यह 6 इंच का खंजर है और इस पर आर्ट लिखा हुआ है। मनोज ने कहा, आर्ट से तो बहुत लोग इस शहर में हो सकते हैं। अविनाश ने मन ही मन सोचा, कहीं आर्ट का मतलब राजा तो नहीं। वह तुरंत उठा और मनोज से बोला, ठीक है मनोज मैं चल रहा हूँ, मैं अभी नंदिनी के मामा मदन से मिलने जा रहा हूँ। मनोज ने कहा, ठीक है कुछ पता चले तो बताना। मदन का घर शहर के एक रिहायशी इलाके में था। अविनाश ने अपनी कार मदन के लॉन में खड़ी कर दी और चुपचाप घर के अंदर चला गया। घर के अंदर सांत्वना देने वाले लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। अविनाश चुपचाप धीरे से अंदर चला गया और वहां उपस्थित सभी लोगों को ध्यान से देखने लगा। नंदिनी की फोटो के पास मदन बैठा हुआ था। वहां राजा, बॉबी और मोहिनी के अलावा ढेर सारे विद्यार्थी मौजूद थे, पर उसने देखा बॉबी पागलों की तरह रोए जा रहा था। अविनाश ने इस समय मदन से बात करना उचित नहीं समझा और वापस अपनी डिटेक्टिव एजेंसी लौट आया। दूसरे दिन शाम को वह मदन से दोबारा मिलने उसके घर पहुंचा। मदन अपने लॉन में चुपचाप बैठा हुआ था। उसने अविनाश को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अविनाश ने कहा, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, शायद आपने मुझे मनोज के साथ नंदिनी के कत्ल वाली रात देखा होगा। मदन ने कहा, हाँ मुझे याद है, बताएं मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ। अविनाश ने कहा, क्या आप नहीं चाहते कि नंदिनी का कातिल पकड़ा जाए? मदन ने कहा, मुझे मिल जाए तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। अविनाश ने कहा, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कानून अपना काम कर लेगा, आप बस मेरे कुछ सवाल के जवाब दे दीजिए। हाँ पूछिए। अविनाश ने कहा, आपकी कितनी उम्र है? मदन ने कहा, 40 साल। आपने शादी की है? मदन ने कहा, नहीं मैं अभी तक कुंवारा हूँ। और नंदिनी की उम्र क्या रही होगी? मदन ने कहा, करीब 18 साल। फिर अविनाश ने पूछा, क्या आप नंदिनी के इकलौते रिश्तेदार हैं? मदन ने कहा, हाँ नंदिनी के माँ बाप की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से नंदिनी की देखभाल मैंने ही की है, इसी वजह से शायद मैंने अभी तक अपनी शादी भी नहीं की। मैंने नंदिनी को माँ बाप दोनों का प्यार दिया है, पर शायद माँ बाप नहीं होने की वजह से नंदिनी थोड़ी बिगड़ेल हो गई थी। अविनाश ने कहा, एक आखिरी सवाल, नंदिनी की मौत के बाद उसकी जायदाद का वारिस कौन है? मदन ने कहा, वसीयत के हिसाब से उस जायदाद का वारिस मैं हूँ। और जायदाद की कुल कीमत कितनी है? करीब 20 करोड़। यह काफी रकम है, मदन ने कहा। हाँ, अविनाश ने हाथ मिलाया और मदन के घर से वापस आ गया। दूसरे दिन उसने राजू को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें राजा, बॉबी, मोहिनी और नंदिनी के बारे में कॉलेज से कुछ पता लगा? राजू ने कहा, हाँ कुछ कुछ मैंने पता करने की कोशिश की है। राजा, बॉबी, मोहिनी और नंदिनी इन चारों विद्यार्थियों का कॉलेज में ग्रुप था। ये चारों स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। बॉबी कुछ साइको किस्म का लड़का है। वह नंदिनी से बेपनाह मोहब्बत करता था, पर नंदिनी उसे घात भी नहीं डालती थी। नंदिनी राजा से प्यार करती थी और राजा भी उससे प्यार करता था, पर इन सब में दो बड़ी खास बातें हैं। अविनाश ने कहा, वह क्या? राजू बोला, सर पहली यह है कि नंदिनी से पहले राजा मोहिनी को चाहता था। नंदिनी से मोहब्बत करने के बाद उसने एक तरीके से मोहिनी को छोड़ दिया था। उसकी वजह से मोहिनी और नंदिनी के बीच मनमुटाव हो आया था। अब मोहिनी राजा की मात्र फ्रेंड है, बस सर अभी इतना ही पता लगा है। अविनाश ने कहा, और दूसरी क्या खास बात है? राजू बोला, सर नंदिनी के कत्ल वाली शाम को उसका मास्टर प्रमोद स्कूल में देखा गया था। अविनाश ने कहा, राजू इसका मतलब तो यह है कि राजा नंदिनी का कत्ल नहीं कर सकता, मतलब अभी तक शक के दायरे में मोहिनी, बॉबी और उसका मामा मदन है। अविनाश ने कुछ सोचते हुए कहा, राजू ऐसा करो कि तुम मदन की तहकीकात करो, देखो वह किस टाइप का आदमी है, क्या करता है, कैसे रहता है। ठीक है सर, तब तक मैं नंदिनी के ट्यूशन टीचर प्रमोद से मिलने की कोशिश करता हूँ। अविनाश शाम को प्रमोद के घर पहुंचता है। प्रमोद के घर की घंटी बजाता है। प्रमोद निकलता है और उससे पूछता है, कहिए मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ? अविनाश ने कहा, लगता है प्रमोद जी आपने मुझे पहचाना नहीं।
प्रमोद ने कहा, नहीं। अविनाश ने कहा, मैं इंस्पेक्टर मनोज के साथ नंदनी के लाश के पास उपस्थित था, तब आप सब लोग भी फार्म हाउस के पास मौजूद थे। प्रमोद बोला, हाँ हाँ याद आया, कहिए आप किस लिए आए हैं। अविनाश ने कहा, मुझे कैप्टन अविनाश कहते हैं, मैं पेशे से एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और फिलहाल अभी साइड डिटेक्टिव एजेंसी का मालिक हूँ। प्रमोद ने कहा, प्लीज अंदर आइए। बैठने के बाद अविनाश ने कहा, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, आप बस मेरे चंद सवालों के सवाल जवाब दे दीजिए, मैं तुरंत चला जाऊंगा। प्रमोद ने कहा, बोलिए क्या पूछना है आपको। अविनाश ने कहा, क्या जानते हैं आप नंदिनी के बारे में। प्रमोद बोल, कुछ खास नहीं, मैं नंदिनी को स्कूल में पढ़ाता था और घर पर ट्यूशन भी देता था, करीब 15 बच्चे ट्यूशन के लिए घर पर आते हैं जिनमें नंदिनी भी एक थी। अविनाश ने पूछा, तो क्या राजा, बॉबी और मोहिनी भी ट्यूशन पढ़ने आते हैं। प्रमोद ने कहा, हाँ, चारों में खूब चिंती थी, उस दिन शाम को मैंने गणित का टेस्ट रखा था, सभी बच्चों ने टेस्ट अच्छे ढंग से दिया, इसके बाद मैंने सबकी कॉपी चेक की और उनकी कॉपी उनको लौटा दी। हाँ, उनकी बातों से इतना जरूर पता लग रहा था कि उस शाम वे लोग फार्म हाउस पर पार्टी के लिए जाने वाले थे। अविनाश ने पूछा, आपको कत्ल की सूचना किसने दी थी। प्रमोद ने कहा, राजा ने। अविनाश ने तुरंत ही पूछा, अच्छा एक बात बताए, आपको किस पर हत्या का संदेह है। प्रमोद ने कहा, सर सभी विद्यार्थी हैं, इसलिए यह कहना तो मुश्किल है कि इनमें से कौन कातिल है, पर हाँ इतना अवश्य है कि बॉबी कुछ अच्छा लड़का नहीं है, वह पढ़ने में भी कुछ खास नहीं है, बाकी सब ठीक है। और मोहिनी कैसी लड़की है। प्रमोद ने कहा, बहुत ही अच्छी और पढ़ने में काफी होशियार है। अविनाश ने कहा, और कोई खास बात जो आप हमसे बताना चाहें। प्रमोद ने कहा, फिलहाल तो इतना ही, अगर कुछ याद आएगा तो आपको बता दूंगा। अविनाश ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। वैसे नंदिनी के कत्ल वाली शाम को आप दोबारा स्कूल क्यों गए थे। प्रमोद ने कहा, वो मैं अपना वाले स्कूल में ही भूल आया था, इसलिए बच्चों के टेस्ट लेने के बाद मैं स्कूल दोबारा गया था। इसके बाद अविनाश अपनी एजेंसी वापस आ गया, बेबी अपने घर जा चुकी थी, उसने एक कप कॉफी बनाई और केबिन में बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजू ने केबिन में प्रवेश किया। अविनाश ने कहा, आओ राजू, कुछ पता चला मदन के बारे में। राजू ने कहा, सर यही कि नंदिनी के मरने के बाद नंदिनी की पूरी जायदाद का मदन एक इकलौता वारिस है। नंदिनी के माँ बाप की कार दुर्घटना में रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई थी, तब नंदिनी कोई 2-3 साल के थी और मदन तकरीबन 25 साल का। आज मदन तकरीबन 40 साल का है। मदन ने ही नंदिनी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। मदन की इस शहर के चौक में ऑटो स्पेयर पार्ट्स की एक बड़ी सी दुकान है। दुकान कुछ खास नहीं चलती है, और सबसे खास बात, मदन चरित्र का बहुत ही खराब आदमी है। सीमा नाम की एक लड़की से उसके नाजायज ताल्लुकात हैं। मदन उससे शादी करना चाहता था, पर नंदिनी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अविनाश ने पूछा, क्यों। राजू ने कहा, सर इसका तो पता अभी नहीं लगा है, पर मैं जानने की कोशिश करूंगा। मदन को जुए और शराब की बहुत बड़ी लत है, उस पर जुए और शराब का लाखों का उधार है। अविनाश ने कहा, राजू इस हिसाब से तो मदन सबसे बड़ा सस्पेक्ट हुआ। राजू ने कहा, हुआ तो सर, तुम बता रहे हो उसका व्यापार भी कुछ खास नहीं चलता है, हो सकता है उसने सीमा के साथ मिलकर नंदिनी का खून कर दिया हो और अब सारी जायदाद का वह अकेला वारिस है। राजू ने कहा, पर सर यह तो मदन को भी पता होगा कि सबसे पहले शक की सुई उसके ऊपर आएगी। अविनाश ने कहा, हाँ यह बात तो है, इतना तो उसे पता ही होगा, पर अभी तो हमारे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसके बाद अविनाश ने राजू को प्रमोद से हुई मुलाकात के बारे में बताया। राजू ने कहा, सर मुझे तो मदन से ज्यादा संदेह बॉबी पर लग रहा है। एक तो यह बॉबी साइको है, नंदिनी ने इसे ठुकरा भी दिया था, उस दिन पार्टी में इसे थप्पड़ भी मार दिया था, हो सकता है इसीलिए उसने नंदिनी का मर्डर कर दिया हो। अविनाश ने कहा, पर उसके खिलाफ भी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है। नंदिनी की हत्या रात 8:30 से 9 बजे के दौरान हुई, जिस बीच लाइट गई थी। अब किसी अंदर के आदमी ने कत्ल किया है या कोई बाहर से आकर के कत्ल किया है। जिस चाकू से कत्ल किया गया है उसके ऊपर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं, सिर्फ खंजर के ऊपर 8 लिखा हुआ है। राजू ने कहा, लेकिन सर इससे हम कुछ साबित नहीं कर सकते। राजू तुम एक काम करो, जिस कार के टायर के निशान हमें फार्म हाउस के पास से मिले थे उसकी एक फोटो थाने से ले लो, और जितने भी लोग फार्म हाउस में उपस्थित थे सबकी कार से मिलाने का प्रयत्न करो, और हाँ यह भी पता करने की कोशिश करो कि यह सीमा कौन है और मदन से इसका क्या चक्कर है, क्या कारण है कि नंदिनी सीमा और मदन की शादी के लिए तैयार नहीं थी। राजू ने कहा, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ, तब तक मैं राजा, बाबी और मोहिनी से मिलकर कुछ जानने की कोशिश करता हूँ, उससे पहले मैं फार्म हाउस का एक चक्कर लगाकर आता हूँ। ठीक है सर, कल शाम को मिलते हैं। ठीक है, अभी सर कहाँ जाएंगे घर। अविनाश ने कहा, नहीं अभी तो मैं अपने होटल जाऊंगा, आज वहाँ एक पार्टी है, पिताजी ने मुझे बुलाया है, शहर के काफी बड़े लोग आने वाले हैं। दूसरे दिन अविनाश फार्म हाउस पहुंचता है, वहाँ पर उस समय फार्म हाउस का चौकीदार बहादुर मौजूद था। बहादुर अविनाश को देखकर सैल्यूट मारता है। अविनाश रोबीले अंदाज में बहादुर को अपने पास बुलाता है, मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ। नहीं सर, कुछ याद नहीं आ रहा है बेटा, पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो तुम्हें सब याद आ जाएगा। बहादुर बोला, अरे माई बाप, मैंने क्या किया है, मुझे इंस्पेक्टर मनोज ने भेजा है। हुकुम करें हुजूर, मेरी बात का ठीक ठीक जवाब देना, जिस रात नंदिनी की मौत हुई थी उस वक्त तुम ड्यूटी पर थे। हाँ हुजूर। देखो बहादुर, नंदिनी की हत्या 8:30 से 9 बजे के दौरान हुई है, और उसी दौरान फार्म हाउस की लाइट भी गई थी, चारों तरफ अंधेरा था। क्या तुमने किसी को बाहर निकलते और अंदर जाते देखा था। हाँ साहब देखा था। कौन था। वह बॉबी साहब थे। उस समय उनके हाथ में कोई चाकू देखा था। नहीं साहब, उनके हाथ में सिर्फ मोबाइल था, मैंने कोई चाकू उनके हाथ में नहीं देखा था। और बॉबी वापस लौट के कब आया था। हुजूर यही कोई 15-20 मिनट में। अविनाश ने मन ही मन सोचा, किसी की हत्या करने के लिए इतना समय तो काफी है, और उसके पास हत्या का उद्देश्य भी है। और कोई खास बात जो बहादुर जो तुम बताना चाहते हो। सर एक बात और है। क्या। राजा साहब और नंदिनी मैडम अक्सर समय बिताने के लिए इस फार्म हाउस में आया करते थे, लगता है दोनों लोगों में काफी गहरी यारी थी। अविनाश ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बहादुर। अविनाश ने अपनी कार फार्म हाउस से वापस शहर की तरफ मोड़ दी। उसने गाड़ी सीधे थाने की तरफ ले जाकर खड़ी कर दी। अंदर इंस्पेक्टर मनोज बैठा हुआ था।
वह अविनाश से बहुत गर्मजोशी से मिला। हेलो अविनाश, कैसे हो? बस ठीक हूँ, तुम्हारे ही केस पर काम कर रहा हूँ। मनोज ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं दूसरे केस की तरफ ध्यान दे पा रहा हूँ। मेरी कोई जरूरत हो तो जरूर कहना। फिलहाल तो मुझे राजा, बाबी और मोहिनी का पता चाहिए। मनोज ने एक पेपर पर तीनों का पता लिख करके अविनाश को दे दिया और दो कप कॉफी का ऑर्डर किया। कॉफी और सिगरेट पीने के साथ ही अविनाश ने मनोज को केस में हुई प्रोग्रेस के बारे में बताया। मनोज ने कहा, अविनाश मुझे तो सभी संदेह के दायरे में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अविनाश, इन चारों विद्यार्थियों के अलावा और लोग भी तो पार्टी में मौजूद थे। अविनाश ने कहा, मनोज उसकी संभावना कम है, मैंने कॉलेज में पता लगवा लिया है, इन्हीं चारों का कॉलेज में ग्रुप था, इसीलिए सबसे पहले शक हमें इन्हीं पर करना चाहिए। वैसे मैंने राजू को भेजा है टायर के मिले हुए निशान की फोटो के साथ, वह सभी की कार के टायर को मिलान करके देखेगा। ओके मैं चलता हूँ, पता देने के लिए शुक्रिया। मनोज ने कहा, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए जो तुम पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी मदद कर रहे हो। थाने से निकलकर अविनाश ने सबसे पहले मोहिनी से मिलने का निश्चय किया। वह जब मोहिनी के घर पहुंचा, मोहिनी उस वक्त घर में अकेली थी, उसके पापा मम्मी कहीं बाहर गए हुए थे। अविनाश ने कहा, मोहिनी मुझे प्राइवेट डिटेक्टिव अविनाश कहते हैं, मैं आपसे नंदिनी की हत्या के संबंध में कुछ बात करना चाहता हूँ, यदि आपको ऐतराज ना हो तो। मोहिनी ने कहा, इसमें ऐतराज की क्या बात है, कृपया अंदर आ जाए। अविनाश ने कुर्सी पर बैठते ही सिगार सुलगा लिया और पूछा, मोहिनी जी नंदिनी से आपके संबंध कैसे थे? नंदिनी ने कहा, यह सही है कि हम एक ग्रुप के थे, पर हमें आपस में मनमुटाव था। अविनाश ने तुरंत पूछा, और यह मनमुटाव क्यों था? मोहिनी ने कहा, क्या यह बताना जरूरी है, यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो। मोहिनी ने कहा, राजा पहले मुझसे मोहब्बत करता था, बाद में उसे पता नहीं क्या हुआ, वह नंदिनी को चाहने लगा। इस बात को लेकर के हमें आपस में काफी बहस भी हुई थी। और क्या आप बता सकती हैं कि राजा आपको छोड़कर के नंदिनी की तरफ कैसे आकर्षित हो गया था? जाहिर है नंदिनी मुझसे बहुत दौलतमंद थी, हसीन थी, जवान थी, लेकिन राजा भी तो बहुत पैसे वाला है, हो सकता है बाद में उसे यह महसूस हुआ हो कि मैं उसकी स्टेटस की नहीं हूँ। बस यही एक वजह थी आपकी नंदिनी से मनमुटाव की? जी हाँ। अविनाश ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं प्यार के चक्कर में आपने नंदिनी की हत्या कर दी हो? मोहिनी गुस्से में बोली, आपको जो कहना है कहिए, पर इतनी सी छोटी बात के लिए कोई किसी की हत्या नहीं करता, और अब आप मेरे घर से जा सकते हैं। अच्छा मोहिनी जी, जाते हुए मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी राजा के पास कोई खंजर देखा था? मोहिनी ने कहा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है नहीं। अविनाश ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, जरूरत पड़ी तो फिर मिलूंगा। मोहिनी के घर से निकलने के बाद वह सीधे बॉबी के घर चला गया। उसने बॉबी से कहा कि मुझे तुमसे नंदिनी के हत्या के विषय में कुछ सवालात करने हैं। बॉबी ने कहा, लेकिन मैं आपके किसी भी सवालात का जवाब नहीं दूंगा। अविनाश ने उठने का नाटक करते हुए कहा, सोच लो यहाँ दे दोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो थाने आकर के देना होगा। ये सुनकर बॉबी बहुत डर गया। बॉबी ने कहा, ठीक है क्या पूछना चाहते हैं? अविनाश ने उससे सीधे पूछा, तुमने नंदिनी की हत्या क्यों की? बॉबी ने कहा, मैंने नंदिनी की हत्या नहीं की। तो फिर रात में 8:30 से 9 बजे के बीच तुम फार्म हाउस से बाहर क्यों गए थे? नंदिनी से मेरा झगड़ा हो गया था और गुस्से में नंदिनी पार्टी छोड़कर चली गई थी, इसलिए मैं नंदिनी को मनाने के लिए बाहर गया था। मैंने उसे फार्म हाउस के आसपास बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिली, अतः थोड़ी देर बाद मैं दोबारा पार्टी में वापस आ गया। अविनाश ने पूछा, तुम नंदिनी से मोहब्बत करते थे? बॉबी बोला, बहुत ज्यादा, लेकिन वह मुझे नहीं चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं इसी गुस्से में तुमने नंदिनी का हत्या कर दी हो? बॉबी गुस्से से बोला, अगर मुझे किसी की हत्या करनी होती तो सबसे पहले मैं राजा की हत्या करता, वही साला मेरे खिलाफ नंदिनी को भरता रहता था। साहब नंदिनी बहुत अच्छी लड़की थी, उसकी हत्या में राजा का भी हाथ है। अविनाश ने तुरंत पूछा, कैसे? तो वह साहब मुझे नहीं पता। तुमने अभी बोला कि नंदिनी की हत्या में राजा का भी हाथ हो सकता है, क्या तुम्हें किसी और पर भी संदेह है? हाँ सर, मुझे मास्टर प्रमोद पर भी संदेह है। वो कैसे? वो मुझसे अक्सर अकेले में नंदिनी के बारे में पूछा करता था, मैंने उसकी आंखों में नंदिनी के लिए हवस देखी थी। नंदिनी की लाश के पास से एक कागज का टुकड़ा बरामद हुआ था, बारिश की वजह से सारी स्याही उस पर फैल गई थी, किसी ने उसकी हत्या वाले दिन उसको पत्र लिखा था। क्या वह पत्र तुमने लिखा था? बॉबी ने कहा, हाँ वह पत्र मैंने लिखा था, और यकीन मानिए मैंने उस पत्र में सिर्फ यही लिखा था कि मैं उससे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। मोबाइल के जमाने में पत्र लिखा तुमने? मैं ऐसा ही हूँ। एक आखिरी सवाल, क्या तुमने राजा के पास कभी खंजर देखा है? हाँ सर, मैंने चोरी से देखा है, और वह उस खंजर को अपने स्कूल के लॉकर में छुपा कर रखता है। अविनाश ने पूछा, तो तुम सब विद्यार्थियों को स्कूल में लॉकर मिले हुए हैं? बॉबी ने जवाब दिया, हाँ सर, पर यह लॉकर हमें रेंटल बेसिस पर मिले हुए हैं। ठीक है बॉबी, बस मुझे तुमसे इतना ही पूछना था। बॉबी के घर से निकलने के बाद अविनाश सीधा राजा के घर पहुंचा। चेहरे से राजा काफी उदास था, हो सकता है वह उदास होने का नाटक भी कर रहा हो। उसने कॉफी ऑफर की, कॉफी का एक घूंट लगाने के बाद उसने राजा से पूछा, और राजा साहब आपका खंजर कहाँ है? इतना सुनते ही राजा का चेहरा उतर गया। आप किस खंजर की बात कर रहे हैं? अविनाश ने कहा, तुम्हें पता है मैं किस खंजर की बात कर रहा हूँ, उसी खंजर से नंदिनी की हत्या हुई है। राजा ने कहा, साहब आप मेरा विश्वास करें, मैं मानता हूँ कि वह मेरा ही खंजर था। अविनाश ने उसे डांटते हुए कहा, तुमने अभी तक पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? सर मैं बहुत डर गया था, वह खंजर मैंने अपने लॉकर में छुपा के रखा हुआ था, लगता है किसी ने उस खंजर को मेरे लॉकर से चुरा लिया। अविनाश ने पूछा, अच्छा उस खंजर के बारे में किसको पता है? राजा ने कहा, सिर्फ मेरी बहन सीमा को। अविनाश ने आश्चर्य से पूछा, सीमा? अच्छा राजा तुम्हें किस पर शक है? राजा बोला, सर मुझे सिर्फ और सिर्फ बॉबी पर शक है। पर बॉबी को तुम पर और मास्टर प्रमोद पर शक है? सर बॉबी पागल किस्म का लड़का है, प्रमोद सर बहुत ही शरीफ और सज्जन है, बाकी मेरे पर उसका शक करना तो लाजमी है। ओके राजा मैं चलता हूँ, अगर जरूरत हुई तो दोबारा मिलूंगा। दूसरे दिन अविनाश राजू को अपने केबिन में बुलाता है और पिछले दिन की ही मुलाकातों के बारे में राजू को बताता है। राजू भी कहता है कि सर मैंने टायर के निशान सभी के कार के टायर से मिलाएं, पर वह किसी से नहीं मिलते हैं। सर यह केस तो बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है, ना कोई फिंगरप्रिंट्स मौजूद है,
ना कोई गवाह है, हम लोग कैसे कातिल तक पहुँचेंगे? अविनाश ने कहा, राजू हम सब जरूर कातिल तक पहुँचेंगे, कोई भी क्राइम परफेक्ट क्राइम नहीं होता। अच्छा कल तुम एक बात का पता लगाओ कि क्या राजा की बहन सीमा ही मदन की गर्लफ्रेंड है, और इस सीमा और मदन के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करो। मुझे तो दाल में कुछ जरूर काला नजारा आ रहा है। इसके बाद अविनाश आंख मूंदकर कुछ सोचने लगता है। केस काफी उलझा हुआ लग रहा है, लगभग सभी पात्र हत्या के शक में हैं। वह अपने केबिन से उठता है और नंदिनी के ट्यूशन मास्टर प्रमोद के घर चला जाता है। औपचारिकता के बाद प्रमोद पूछता है, सर आप यहाँ कैसे? अविनाश कहता है, मास्टर साहब बस यूं ही आपके विद्यार्थियों के बारे में कुछ जानकारी लेने आया था, मुझे लगता है आप सही जानकारी देंगे। प्रमोद कहता है, हाँ हाँ पूछे। अविनाश कहता है, सर क्या आपने कभी राजा को खंजर के साथ देखा है? नंदिनी का कत्ल राजा के खंजर से हुआ है। प्रमोद सोचकर कहता है, हाँ सर राजा एक बार खंजर के साथ विद्यालय में पकड़ा गया था, तब राजा ने यह कहा था कि वह खंजर उसने अपनी आत्मरक्षा के लिए रखा है। चूंकि राजा एक अच्छा लड़का है इसलिए प्रधानाचार्य जी ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया था। अविनाश ने कहा, मास्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि राजा जितना सीधा दिखाई देता है उतना सीधा है नहीं। प्रमोद ने अविनाश से कहा, पर सर यह मुझे पता नहीं कि यह वही खंजर है जिससे नंदिनी की हत्या हुई है। अविनाश ने कहा, मैं निश्चित हूँ कि यह वही खंजर है। अविनाश ने प्रमोद का अभिवादन किया और बाहर आ गया। दूसरे दिन सुबह उसने राजू को अपने केबिन में बुलाया और पूछा कि सीमा के बारे में उसने क्या जानकारी हासिल की है। राजू ने उसे बताया कि मदन की गर्लफ्रेंड सीमा और राजा की बहन एक ही लड़की है। अविनाश ने कहा, मुझे पता था। राजू ने कहा, सर पता नहीं मदन ने सीमा पर क्या जादू कर दिया है, सीमा तो उसके प्यार में पागल है, क्योंकि राजा को मदन की असलियत पता है, इसलिए राजा सीमा और मदन की शादी के खिलाफ है, इसलिए राजा और सीमा में काफी झगड़ा भी होता रहता है। और मुझे एक और खास बात पता लगी है, राजा के कहने पर हत्या से एक दिन पहले नंदिनी ने मदन को धमकी दी थी कि अगर मदन सीमा से शादी करेगा तो नंदिनी मदन को अपनी जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। अब सर आप तो जानते ही हैं कि मदन एक नंबर का आयाश आदमी है, उसका व्यापार भी कुछ खास नहीं चलता है, वह अपना गुजर बसर कैसे करेगा, लाखों का उधार है उस पर। अविनाश ने कहा, हाँ यह तो सही है। अविनाश ने एक मिनट सोचा, तुरंत उसने इंस्पेक्टर मनोज को फोन मिला दिया। हेलो अविनाश कैसे याद किया? अविनाश ने कहा, मनोज हत्या वाली रात 8:30 से 9 बजे के बीच के दौरान पता करो नंदिनी के मामा मदन और उसकी गर्लफ्रेंड सीमा की मोबाइल लोकेशन क्या थी। मनोज ने कहा, ठीक मैं पता करके तुम्हें फोन करता हूँ। राजू ने कहा, सर क्या हम राजा को गिरफ्तार नहीं करवा सकते, आखिरकार हत्या तो उसी की चाकू से हुई है। यह मत भूलो राजू की राजा ने ही कबूला है कि वह चाकू उसका है, अगर वह मुकर गया तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी लोगों ने उसके पास चाकू देखा था पर कोई भी इतना निश्चित नहीं है कि जिस चाकू से नंदिनी की हत्या हुई थी वह राजा का ही चाकू है। और फिर उसको गिरफ्तार करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा। और यह भी हो सकता है कि राजा सच बोल रहा हो सकता है वाकई उसका चाकू किसी ने चुरा लिया हो। केस काफी पेचीदा हो गया है, लेकिन कुछ भी कहो केस में काफी मजा आ रहा है। राजू ने कहा, हाँ सर यह तो है। ऐसा करो जब तक मनोज का फोन आता है तब तक बेबी से कॉफी का ऑर्डर कर दो। थोड़ी देर बाद मनोज का फोन आता है। हेलो मनोज क्या पता चला? मनोज कहता है, यार अविनाश सीमा के मोबाइल की लोकेशन तो फार्म हाउस के आसपास की थी। तब तक अविनाश बोल पड़ा, लेकिन मदन के मोबाइल की लोकेशन उसके घर के पास थी। यही ना मनोज? मनोज ने कहा, तूने सही अनुमान लगाया, सीमा नंदिनी की हत्या के समय फार्म हाउस के आसपास थी। जानते हो मनोज लोग बहुत होशियार हो गए हैं, उनको पता होता है कि उनके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। चल ठीक है मैं मोबाइल रखता हूँ। इसके बाद अविनाश फिर कॉफी का घूंट लगाने लगा। अचानक तुरंत उसने मनोज को दोबारा फोन लगा दिया। अविनाश ने कहा, मनोज मैं इन विद्यार्थियों के लॉकर की तलाशी लेना चाहता हूँ, तू जरा कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन कर दे कि वह मुझे इसकी इजाजत दे दे। मनोज ने कहा, ठीक है तुझे इजाजत मिल जाएगी। अविनाश ने कहा, राजू तू बैठ, मैं जरा सीमा से मिलकर आता हूँ। इसके बाद अविनाश राजा के घर चला गया। राजा ने दरवाजा खोला। अविनाश ने कहा, राजा मुझे तुम्हारी बहन सीमा से अकेले में कुछ बात करनी है। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने सीमा को बुलाया और सीमा से बोला, बहन यह है प्राइवेट डिटेक्टिव कैप्टन अविनाश, नंदिनी के कत्ल के विषय में यह तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। यह सुनते ही सीमा के चेहरे पर पसीना आ गया। अविनाश ने सीमा को एक गिलास पानी दिया और सीमा से पूछा, तुम मदन को कैसे जानती हो? सीमा ने कहा, मदन से मेरी मुलाकात एक बार में हुई थी, वहीं से हम दोनों में प्यार हो गया। अविनाश ने कहा, तुमको पता है मदन कैसा आदमी है? सीमा ने गुस्से से कहा, मुझे पता है, बस मैं इतना जानती हूँ कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। अविनाश बोला, राजा और नंदिनी इस शादी के सख्त खिलाफ थे। सीमा गुस्से से बोली, राजा की मुझे कोई परवाह नहीं है, यह मेरी जिंदगी है, मैं इसकी मालकिन हूँ। और वह नंदिनी, बढ़िया हुआ उसकी हत्या हो गई, नहीं तो मैं उसकी हत्या कर देती। अविनाश बोला, नंदिनी की हत्या वाली रात 8:30 से 9 बजे के बीच आप कहाँ थी? सीमा गुस्से से बोली, आपसे मतलब? अविनाश ने कहा, मैं बताता हूँ आप कहाँ थी। उस रात आप फार्म हाउस के पास थी और आप नंदिनी की हत्या करने गई थी, आप झूठ नहीं बोल सकती, आपकी मोबाइल लोकेशन फार्म हाउस के आसपास बता रही थी। सीमा के तेवर एकाएक शांत हो गए। उसने कहा, हाँ बात दरअसल यह है कि उसकी हत्या से एक दिन पहले उसकी और मदन की बहुत लड़ाई हुई थी हमारी शादी को लेकर। उस रात मैं उसको समझाने के लिए गई हुई थी, मैंने कार फार्म हाउस के पास ले जाकर खड़ी कर दी और उसका इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वह गुस्से से निकलकर फार्म हाउस से बाहर चली गई, मैंने उसके पीछे जाना उचित नहीं समझा। जब काफी समय बाद वह लौटकर नहीं तो मैं फार्म हाउस से लौटकर वापस घर आ गई, यह सोचकर कि इस बारे में उससे कल बात करेंगे। अविनाश ने कहा, आप सही बोल रही हैं। सीमा ने कहा, बिल्कुल, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अविनाश ने कहा, खैर इसका पता तो मैं लगा लूंगा। और एक आखिरी बात, क्या मदन आपके साथ था? नहीं, मदन मेरे साथ नहीं था। ठीक है सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा से मिलने के बाद अविनाश नंदिनी के कॉलेज चला गया। उसने बारी बारी राजा का, बॉबी का और नंदिनी का लॉकर का मुआयना किया। नंदिनी के लॉकर से उसे एक लेटर बरामद हुआ, उसकी अंतिम लाइन में लिखा था, तुम्हारा बॉबी। लेटर लेकर वह तुरंत वह बॉबी के घर दोबारा गया। उसने बॉबी को वह पत्र दिखाया। बॉबी ने कहा, यही वह पत्र है जो उसने नंदिनी को लिखा था।
अविनाश ने मन ही मन सोचा, अगर बॉबी का लिखा हुआ लेटर यह है तो वह कौन सा लेटर था जो नंदिनी की लाश के पास से बरामद हुआ था। वह तुरंत बॉबी के घर से निकला और नंदिनी के घर पहुंच गया। उस समय मदन अपने घर में मौजूद था। उसने मदन से कहा, मुझे नंदिनी के रूम की तलाशी लेनी है। मदन ने कहा, शौक से लीजिए। उसने नंदिनी के रूम की तलाशी ली। उसके बाद वह अपनी साइड डिटेक्टिव एजेंसी वापस आ गया। उसने सिगार जला लिया, शांति से बैठकर धुएं के छल्ले हवा में उड़ाने लगा। करीब आधा घंटा शांति से सोचने के बाद उसने मनोज को फोन किया। मनोज, ऐसा करो, जितने भी लोग नंदिनी के लाश के पास उस रात उपस्थित थे सबको आज रात 8 बजे अपने थाने में बुला लो और हाँ, सीमा को जरूर बुलाना। राजू ने कहा, क्या सर आपको कातिल का पता चल गया? अविनाश ने कहा, लगभग। मेरे साथ आज रात 8 बजे थाने में उपस्थित रहना। बेबी ने कहा, सर मैं भी उपस्थित रहूंगी, आखिर मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आपने क्या किया है। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा करेंगे, हम तीनों साथ ही थाने चलेंगे। रात के 8 बजे हैं। थाने में सब लोग उपस्थित थे, राजा, बॉबी, मोहिनी, मदन, सीमा और प्रमोद, सभी बेंच पर बैठे हुए थे और इनके सामने एक कुर्सी पर इंस्पेक्टर मनोज और एक पर सब इंस्पेक्टर राहुल बैठे हुए थे। बेबी और राजू एक साइड खड़े थे। अविनाश ने सिगार जलाया और प्रमोद के पास पहुंचा। प्रमोद खड़ा हो गया। अविनाश ने कहा, क्या मास्टर साहब आपको क्या लगता है, कौन है कातिल? प्रमोद ने कहा, सर मुझे पता नहीं। अविनाश ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, सीमा जी और मदन खड़े हो जाओ। क्या सीमा, जब तुम दोनों को पता लगा कि नंदिनी तुम दोनों की शादी में सबसे बड़ा रोड़ा है तो तुम दोनों ने मिलकर नंदिनी का कत्ल कर दिया? मदन ने गुस्से में बोला, इंस्पेक्टर साहब यह आदमी बकवास कर रहा है। माना नंदिनी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा मुझे हुआ है, माना नंदिनी हमारी शादी में भी सबसे बड़ा रोड़ा थी, पर मैं नंदिनी के कत्ल के बारे में सोच भी नहीं सकता। अविनाश ने कहा, तुम नहीं सोच सकते, लेकिन सीमा तो सोच सकती है, नंदिनी की मौत से आखिरकार उसे ही तो फायदा है। इसके बाद अविनाश ने राजा की तरफ मुंह किया और पूछा, क्यों राजा, नंदिनी की मौत से तुम्हें क्या फायदा है? राजा ने कहा, मुझे नंदिनी की मौत से नहीं, नंदिनी के रहने में फायदा था। और बॉबी, तुम्हारा फायदा किसमें था, नंदिनी के रहने में कि नंदिनी के नहीं रहने में? बॉबी ने कहा, मैं नंदिनी से प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा, मुझे इसकी परवाह नहीं कि नंदिनी मेरे बारे में क्या सोचती थी। लेकिन नंदिनी ने तो मोहिनी का प्यार छीना था। क्यों मोहिनी, बदले की भावना काफी प्रबल होती है। तब तक मनोज ने झल्ला कर पूछा, आखिर अविनाश तुम साबित क्या करना चाहते हो, आखिर कौन है कातिल? अविनाश ने कहा, बताता हूँ, वह सीमा के पास गया और बोला, सीमा तुम्हें पता था ना कि राजा के पास खंजर है? सीमा ने कहा, हाँ। तुम वह खंजर लेकर के फार्म हाउस गई थी? सीमा ने कहा, नहीं मैं नहीं गई थी। तब तक अविनाश ने एक झापट प्रमोद को मारा, तुम सब नहीं, उस रात प्रमोद खंजर लेकर के फार्म हाउस गया था और इसी ने नंदिनी का कत्ल किया है। मनोज गिरफ्तार कर लो प्रमोद को, यही है तुम्हारा कातिल। मनोज ने तुरंत प्रमोद के हाथ में हथकड़ी डाल दी। मनोज ने कहा, पर अविनाश बताओ तो सही, प्रमोद ने कत्ल कैसे किया? अविनाश ने कहा, याद करो मनोज, वह रात चारों तरफ कितना घना अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तब प्रमोद ने हमें बताया था कि लाश के रगड़ने के निशान जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। जब किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था तो इसे वह निशान कैसे दिख गया? इसका मतलब नंदिनी को मारने के बाद उसने इसकी लाश घसीट करके पेड़ की ओट में कर दी थी। मेरा पहला शक इसके ऊपर तभी गया और दूसरा शक तब गया जब नंदिनी के कत्ल के आसपास उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। इसका मोबाइल डिस्चार्ज नहीं हुआ था, इसने जानबूझ करके अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके घर छोड़ दिया था और खुद खंजर के साथ फार्म हाउस चला आया था। इसे मोबाइल से अपनी लोकेशन ट्रेस हो जाने का खतरा था। तब तक मनोज ने पूछा, लेकिन राजा का खंजर इसके पास आया कहां से? अविनाश ने कहा, इसने राजा के लॉकर से खंजर चुरा लिया था। यही जानने के लिए मैं उसके घर दोबारा गया था कि इसे राजा के खंजर के बारे में पता है कि नहीं, पर इसे राजा के खंजर के बारे में पता था। बच्चों के टेस्ट लेने के बाद ये दोबारा स्कूल गया था राजा का खंजर चुराने के लिए। और मेरा शक तब यकीन में बदल गया जब नंदिनी का लॉकर तलाशते वक्त मुझे बॉबी का लिखा हुआ वह पत्र मिल गया। अब तक तो हम लोग यह समझ रहे थे कि जो पत्र नंदिनी के लाश के पास से मिला था वह बॉबी ने लिखा था, पर नहीं, वह पत्र नंदिनी ने राजा के लिए लिखा था। नंदिनी ने वो पत्र टेस्ट देने वाली कॉपी में ही लिखा था। याद करो, कत्ल वाली शाम प्रमोद ने बताया था कि उस शाम इसने मैथ का टेस्ट लिया था। इस प्रमोद ने नंदिनी की कॉपी चेक करते वक्त उस पत्र को पढ़ लिया था। बाद में नंदिनी ने वो पत्र कॉपी से फाड़कर अपनी जेब में रख लिया था। यही चेक करने के लिए मैंने नंदिनी के रूम की तलाशी ली थी और उसकी टेस्ट वाली कॉपी चेक करने के बाद मुझे पता चला कि वो पत्र इसी कॉपी से लिखा गया था। तब तक प्रमोद गुस्से से बोला, हाँ मैंने वह पत्र पढ़ लिया था, मैं नंदिनी से बेहद प्यार करने लगा था। वह पत्र पढ़ने के बाद मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं तुरंत कॉलेज जाकर राजा का खंजर चुराया और उसे लेकर के फार्म हाउस पहुंच गया। 8:30 के आसपास मैंने देखा कि नंदिनी गुस्से से फार्म हाउस से बाहर चली गई। मैं धीरे से उसके पीछे चला गया। वो मुझे देखते ही मेरे पास मेरी कार में बैठ गई। मैं उसे जंगल के रास्ते में ले गया। मैंने उसे अपने दिल की बात बहुत समझानी चाही पर वह नहीं मानी और इसी गुस्से में मैंने उसका खंजर से कत्ल कर दिया। मनोज ने गुस्से से बोला, राहुल ले जाओ इसे लॉकअप में बंद कर दो। अविनाश ने कहा, और हाँ मनोज, जो टायर के निशान हमें लाश के पास से मिले थे वह इसी की कार के थे। हो सकता है अब तक इसने चारों टायर चेंज कर दिए हो। मनोज ने कहा, उसकी चिंता नहीं है, वह मैं पता लगा लूंगा। अविनाश ने कहा, चलो बेबी और राजू घर चलते हैं, काफी रात हो रही है। मनोज ने एक बार फिर अविनाश का धन्यवाद दिया। चलते वक्त अविनाश ने मनोज से कहा, इसकी सूचना निष्पक्ष रोज के संपादक पंकज सिंह को दे देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, गुड नाइट। समाप्त।